ही भरी था, सारा खाना अकेले बना भी लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाए रे? कल उनके यहाँ डिनर का प्रोग्राम लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दिया था ना, तो उसके कॉम्पेंसेशन में ये सब कर रही हूँ। कॉम्पेंसेशन? नाउ फॉलो मी, कम ऑन। और हमारी मोहल्ला समिति अध्यक्ष मैडम क्यों मन ही मन मुस्कुरा रही है? बच्चों को समझदार होता हुआ देखकर खुश हो रही हूँ। बड़ी बहू रानी किसी छोटी सी अल्लड़ सी चंचल थी ना प्रार्थना, थोड़ी सी नचड़ी गुस्सेल बापोतरा की तरह, लेकिन शादी के बाद देख किसी समझदार हो गई है। सच्ची रे, तुम दोनों ने घर ऐसे संभाल लिया ना कि पुष्पा को हंस हो गई है। ए, राशि का फोन आया था, उसने अपने बाप से बात की होगी ना, तो उसने बताया होगा कि मैं मोहल्ला समिति अध्यक्ष बन गई हूँ, इसलिए। आपको बराबर फोन करते हैं, और मुझे तो आने दो उसे, बताती हूँ मैं। हाँ तो करना, आने के बाद बराबर करना हिसाब। अब तो तीन तीन बेटियां हैं मेरी, राशि दीप्ति और प्रार्थना, और तो वधु सुख हुए कहीं, बस नजर न लगे किसी की। अब पापा बनने वाले हो, छोटू में भी आपको पापा बुलेगा या दादा? दादाजी, बापोतरा, दादाजी लगता है, नहीं क्या तू भी बच्ची की बात को सच मान लेता है बापोतरा? अरे फिट है तू एकदम, मम्मी भी कड़क है सब। नहीं लेकिन उसको लगा तभी तो बोली वो। फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा बापोतरा, बच्चा आने वाला है, कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ना है अभी। लोग दादाजी नहीं यूथ लीडर बोलने चाहिए, यूथ लीडर। वैसे भी 50 की उम्र के यूथ लीडर होते ही तू तो 50 से कम है अभी बापोतरा। बस ये दादाजी वाली फीलिंग मार्केट में नहीं जानी चाहिए, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। माने अरे खमो खमो अशु। ओ सुशी, वजन थोड़ा बढ़ गया है बापोतरा का, तो अभी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा ना बापोतरा को। अरे बच्चा आने वाला है, उसके साथ खेलने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। पापा के बदले दादा ना समझ ले हमारा होने वाला बच्चा। भाभी वो सुशी का
नहीं मतलब आपको पता चल ही गया होगा। मुझे उसी दिन कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर इतनी बड़ी गड़बड़ होगी इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। तू इधर क्या कर रहा है? काका, इतना बड़ा झटका हो गया भाई, अब हो गया। क्या मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा कजिन मुझसे 24 साल छोटा होगा। मजाक कर रहा है बापूदर का? मजाक होशियारी, मजाक नहीं कर रहा। रा, थोड़ा अजीब जरूर लगा, बट इट्स ओके। हम इतना सोचते हैं, बाकी फौरन में तो लोग 50-55 की उम्र में मां बाप बनते हैं। सो व्हाट, इसमें सेक्स शेमिंग क्या करना? आपकी लाइफ, आपका फैसला। Thank you. आजकल की पीढ़ी में कमाल की क्लियरिटी होती है, कितना सीखना है इनसे। तुम लोग यहाँ? ये आपके लिए पापा। तुम्हारे मुंह से पापा सुन के बहुत अच्छा लगा। ये टिफिन का आइडिया पुष्पा का है क्या? नहीं, पन्नू का है। मैं ये वहां रख दूं? यहाँ हम दिन ब दिन नॉर्मल हो रहे हैं और वहां रिद्धि सीमेंट स्कैम के बारे में स्कूप ढूंढ रही है। पता नहीं पापा को लेकर क्या नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं चलती हूँ। चिरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अश्विन दादा, अब मेरी टीम में आ जाओ ना। पर स्वरा, मुझे अभी जाना है। मारवा सब काट रहा है, देखो ना गोलू मारवा जीत रहा है, मैं हार जाऊंगी। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, एक गेम तो खेल ही सकते हैं, है ना? चल। नो 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 नो। टू टू टू। अरे गोलू, हम दो हैं तो क्या हुआ, खेलेगा तो कोई एक ही ना। चल ठीक है, तू भी किसी को ले। क्यों स्वरा? हाँ। ओके। ओ। नहीं, वो आंटी नहीं, बहुत खड़ूस है। उठक बैठक करवाते, उन्हें नहीं खिलाएंगे। स्वरा। ओ। हाँ, दीप्ति दीदी चलेगी। भाभी चलो। बोलो बोलो। कम के अभी टिप टिप टिप। मैं शुरू करता हूँ। वैसे कोई खास बात नहीं है, बट बेटा मैं बदलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने पाप किए हैं मैं मानता हूं, पर अब मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। कभी कभी मेरा मूल स्वभाव बाहर आ जाता है, मैं गुस्सा हो जाता हूं, चिढ़ जाता हूं, पर वो भी अब कम हो जाएगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम सब
कम से कम मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा करें। आई बिलीव यू, आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं। थैंक यू बेटा। आप खा लेंगे उसके बाद मैं टिफिन ले जाऊंगा। अरे वैसे कपड़े छोड़कर कहाँ चली गई दीप्ति? स्वरा कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी तो यही पास की बालवाड़ी में जाती है, अब इसका यहीं कहीं दाखिला करवा दूंगी। इसके स्कूल जाने की जिम्मेदारी मेरी। अरे नहीं नहीं पुष्पा बहन, इसको लेकर मेरे दिमाग में एक प्लान है, चिंता मत कर, इसके बारे में बाद में बात करती हूँ, तू भी जा काम कर। मम्मी देख रही है ना, क्या लगता है इन दोनों के बारे में? डिवोर्स तो नहीं होगा मम्मी, 100%। ये बात तारा मामा घी गोर। ये क्या है? खोल के देख ले। पिछली बार जुगल के थ्रू गिफ्ट भेजी थी तो लोचा हो गया था, इसलिए इस बार खुद लेकर आया हूं। अध्यक्ष बनी है, तोहफा तो बनता है। साफ दिल से लाया हूं, मना मत करना प्लीज। रांधेरिया पटेल को हटा दिया तो रांधेरिया को जोड़ दिया पीछे, नाम अधूरा नहीं लगेगा। और उसमें मेरा अंश नहीं है तो तू भी कंफर्टेबल रहेगी। चिरा लगा दे। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है अकेले में। बोल।
वैसे तो कैब का ठीक ठाक चल रहा है, पर कब तक ये करेंगे? मैं तुझसे पूछने आया था कि अगर मैं और अश्विन दोनों मिलके कोई बिजनेस। मुझसे मत पूछ, अश्विन से पूछ, क्योंकि अश्विन अपने फैसले खुद लेता है। पुष्पा मुझे गलत मत समझना। गलत नहीं समझ रही, जैसे तू बदलने की कोशिश कर रहा है वैसे मैं भी बदलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर पहली बारी पुष्पा होती ना तो एक झटके में ना बोल देती तुझे, पर ये वाली पुष्पा समझती है कि अश्विन अपने फैसले खुद लेता है, अपना भला बुरा खुद समझता है, इसीलिए उससे पूछ, वो हाँ या ना कर देगा। रांदेरिया, पुष्पा रांदेरिया, मोहल्ला समिति अध्यक्ष। धक्स? धक्स नहीं, अध्यक्ष। आपने तो कहा था पुष्पा इंपॉसिबल नाम है, ये क्या नया नाम? मैं तो आपको पुष्पा इंपॉसिबल ही बोलूंगी। ठीक है, तुझे जो बुलाना है बुला, वैसे भी तेरे आने के बाद से सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। मेरे आने से सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है? मैंने क्या किया है? कभी कभी कोई सिर्फ आकर ही अपना नसीब जोड़ देता है, वातावरण बदल देता है, किस्मत बदल देता है। तू वो पारसमणि है। इंग्लिश स्कूल में जाएगी? वेरी गुड, तो मैं तेरे स्कूल जाने का इंतजाम करती हूँ। थैंक यू, यू आर वेलकम। मोहल्ला कमेटी अध्यक्ष, बचपन में अगर पता होता इमली तोड़ते वक्त कि तेरे नाम के आगे ये जुड़ने वाला है तो थोड़ी और इज्जत देता ना तुझे, थोड़ा कम तंग करता। बचपन में तेरे बाल नोचते हुए अगर मुझे भी पता होता कि आगे जिंदगी में तेरा साथ मिलने वाला है और तू मेरा डिप्टी अध्यक्ष बनने वाला है तो मैं भी थोड़ी इज्जत से पेश आती। रांदेरिया, मोहल्ला कमेटी अध्यक्ष, बचपन में अगर पता होता इमली तोड़ते वक्त कि तेरे नाम के आगे ये जुड़ने वाला है तो थोड़ी और इज्जत देता ना तुझे, थोड़ा कम तंग करता। बचपन में तेरे बाल नोचते हुए अगर मुझे भी पता होता कि आगे जिंदगी में तेरा साथ मिलने वाला है और तू मेरा डिप्टी अध्यक्ष बनने वाला है तो मैं भी थोड़ी इज्जत से पेश आती। ए दिलीप, क्या बैठे बैठे दोनों को देखता रहता है, कहाँ गई तेरी मर्दानगी? संतोष सही कह रहा था, ये अच्छाई का नाटक बंद कर वरना पुष्पा को कोई और ले जाएगा और तू हाथ पे हाथ धरे बैठा रह जाएगा। नहीं नहीं, वो दोनों दोस्त हैं और वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो क्या हुआ, फिर से जीत ले उसे, अपने हक का कोई और ले जाए, ऐसा थोड़ी चलता है। अब देख, तेरे हाथ का बनाया हुआ हलवा खाया, तेरी दी हुई गिफ्ट एक्सेप्ट की, तुझे बिजनेस करने के लिए मना भी नहीं किया, यही सही मौका है, वो पिघल रही है। याद कर संतोष ने क्या कहा था, जो प्यार से ना मिले उसे छीनना पड़ता है, यही दुनिया है और वो ऐसे ही चलती है। उस दो कौड़ी के चुगल को अपने रास्ते का कांटा मत बनने दे, हटा दे उसे, वरना दोस्ती दोस्ती में तेरे हाथ लगी हुई बाजी भी हाथ से निकल जाएगी। इस बार पुष्पा दिलीप पटेल का बोर्ड लगे ऐसा कुछ कर, बहुत हो गई अच्छाई, अब एक्शन का समय, हटा दे उस चुगल को अपने रास्ते से। Finish him! Crush him!
kill that man. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.